मैं बताते चलूँ इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर ब्लॉक 13 गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि 15 अरब रुपये की सब्सिडी घी तेल चावल आटा और दालों पर जो है वो सब्सिडी दी गई है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि महंगाई के इस दौर में जो आवाम इस महंगाई की चक्की में पिछी हुई है, क्या उसको इस रिलीफ फंड्स की वजह से रिलीफ मिला है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हम मकदार और इसके साथ कीमत का तयन भी करेंगे कि क्या यूटिलिटी स्टोर पे मकदार और जो जिस मकदार में चीज़ें वाफर मकदार में मौजूद हैं और जो इनकी कीमतें हैं इनमें किस कितना रद्द बदल आया है और आम मार्केट में क्या रेट है और इस यूटिलिटी स्टोर पे किस रेट पे ये चीज़ें दस्तयाब हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं यहाँ दालों के पोर्शन में आया हूँ और ये देखें कि यहाँ दालें मौजूद ही नहीं हैं। दो पैकेट इन्होंने रखे हैं चने की दाल के और आप लोग चने की दाल देख सकते हैं कि ये किस क्वालिटी की है। ये बिल्कुल जर्रे बराबर दालें हैं, इसमें किसी किस्म की ए क्वालिटी मौजूद नहीं है। ये रिलीफ फंड हमें मिला है। ये हमारे पास दूसरी मसूर की दाल है और नीचे पोर्शन हमारे पास खाली है। आइए आगे मैं और भी आपको लेकर चलूँ। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि रोज़ाना आटा आता है, डेली आता है, जबकि एक साहब जो कि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे 3 दिन से आ रहे हैं और वो 3 दिन से आके अभी उन्होंने यही कंप्लेन की कि आज तीसरा दिन है और उन्हें आटा नहीं मिला है। तनख्वाहें हैं, मुश्किल से रोटी मुश्किल से पूरी होती है। हम गरीब दूध नहीं पीते, हम दही नहीं खाते, हम गोश्त नहीं खाते, हम नया कपड़ा नहीं खरीद सकते, हम लंडे के कपड़े लेने पर मजबूर हैं, वो भी हमें हमारी पोस्ट से बाहर होते हैं। इतने हम हो गए, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि खाने पीने की मुश्किल से हो रही है, कोई अच्छी खुराक हमें नहीं मिल रही है, सिर्फ दाल रोटी का गुजारा हो रहा है। देखिए जी, इमरान खान के लिए मैसेज आप देख सकते हैं, खातून हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से आप देखें कि ये महंगाई की वजह से महंगाई की चक्की में इतनी बुरी तरह पिस रही हैं कि आज ये रो रही हैं। आप लोगों ने इन्हें रोने पर मजबूर कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी नहीं घरी बाती के लिए यही चीज़ें खा और भी हम आटा, इसका मतलब यहाँ पे दस्तियाब ही नहीं। दस्तियाब कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पे? तीसरा दिन और आटा आपको नहीं मिला। बोले ब्लॉक 13 गुलिस्तान जौहर यूटिलिटी स्टोर में इस वक्त मौजूद है और तीसरे दिन ये साहब जो है वो आए हैं और आटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो चीज है ही नहीं, मिल नहीं रही है, महंगी इतनी, जो एक दो रोटी दो टाइम की रोटी, क्या एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते? इतना हमारे वजीर आजम ने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आवाम रो रही है इस महंगाई के दौर में और ये रिलीफ फंड के नाम पे, रिलीफ पैकेज के नाम पे भी आज लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको हमारी कैमरे की आंख दिखाएगी कि किस तरीके से आवाम जो है परेशान है इन तमाम चीजों से। आटा पूछो, आटा नहीं है, दालें देखे, दालें नहीं है। दालों के हवाले से बताइए, छोड़े आप दाल नहीं खा सकते, अपना इतना टाइम आ गया, दरख्त के पत्ते उठा के बच्चों को खिला रहे, किस तरीके से लोग जो वजीर आजम इमरान खान आएगा, तब्दीली लेके आएगा, तब्दीली यही है। हम गरीबों को 30,000 है बोला तब्दीली, ये गरीब इधर नहीं रहे, खाने के लिए हम बेहाल हो गए। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और बिल्कुल इमरान खान से जो है हम भी दरख्वास्त कर देंगे जी, मीन्स के ये स्टॉक इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है ताकि 5 किलो पे जो आपको कम कीमत करके दे रहे हैं उस पर उनको मुनाफा ही मिला। और चीनी की जो क्वालिटी है उसके ऊपर मुझे बताइए कि चीनी बहुत बारीक है। नो सर, आप मुझे चीनी दिखा सकते हैं? अभी है नहीं। देखिए जी, इस वक्त मौजूद ही नहीं है चीनी। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पर और मैंने इनसे चीनी के लिए कहा कि मुझे चीनी दिखा दीजिए सैंपल के तौर पर, तो यहाँ सैंपल के लिए भी चीनी मौजूद नहीं है। तो ये हाल है यूटिलिटी स्टोर्स का, ये खसूसी पैकेज है जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि यूटिलिटी स्टोर्स का हाल क्या है और लोग किस तरीके से बदहाली का शिकार हैं, यहाँ आने के बावजूद उनको चीज़ें मैसर नहीं हैं। शुक्रिया है, महंगाई का शिकार है और किस तरीके से इनको जो है वो, देखिए रो रहे हैं ये लोग सिर्फ सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए, आटा रोटी दालें चावल घी के लिए जो है वो तरस रहे हैं और इतना बिलक बिलक के रो रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर रिलीफ निकाला है तो रिलीफ के साथ साथ उसकी मकदार भी बढ़ाइए, उसकी क्वालिटी भी देखिए, साथ में आवाम यहाँ पिस रही है। आप कम से कम 3 दिन से अगर किसी के घर खाना नहीं बना है, 3 दिन से एक शख्स यहाँ पर आटे की बोरी लेने के लिए तरस रहा है, ये यूटिलिटी का इंतजाम आप लोगों ने किया है, ये आप लोगों ने खुसूसी पैकेज निकाला है लोगों के लिए 2020 में, ये आपकी खुशखबरी है, ये आपने खुशहाली दी है, ये आपकी तब्दीली है इस वक्त मौजूद, ये मेरा सवाल है आज आपसे इमरान खान साहब।
शुक्रिया।